ये है अंकित बयापुरिया और मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इसका डेली रूटीन एक दिन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राम राम भाई, सारा मैं अभी बदले सुबह के 5:15 दिन की शुरुआत कर दी मैंने। अभी जाऊँगा सबसे पहले वर्कआउट करने, क्योंकि दिन का पहला वर्कआउट होगा जिम का। तो अभी जिम जाता हूँ, वर्कआउट करके आता हूँ। बाकी फिलहाल आप देख लीजिए, पीछे अंधेरा है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है। बट अभी तो सुबह होने वाली, तो मसीहा भी घुस गया होगा। अभी तो मेरे निकलने का टाइम हो गया है, तो अभी जाता हूँ वर्कआउट करने। तो भाई पहुँच गया हूँ जिम, आज करूँगा लेग डे। तो वर्कआउट एंड स्टार्ट करता हूँ इन 3। कंप्लीट मेरा लेग्स ट्रेन की थी, क्वाड पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ लेग्स। अभी जा रहा हूँ घर, लेट हो गया हूँ। 8 बजे ट्रेन पकड़नी है, फिलहाल टाइम हो रहा है 7:09। तो अभी जाता हूँ घर। और आज एक अजीब मतलब एक मस्त किस्सा हुआ है मेरे साथ जिम में ही, वो बताता हूँ आपको ऑफिस जाते टाइम। तो भाई अब है पहली मील, नहा धो के तैयार तो हो गया हूँ मैं, पहली मील का टाइम हो गया है। और आज बिल्कुल क्लीन खाना है मुझे। तो अभी जो मैं खा रहा हूँ वो फिलहाल है ब्रेड, पीनट बटर और दही। तो पहली मील तो खा ली मैंने, अभी जाता हूँ मैं ड्यूटी पे हर हर महादेव बोल के। भाई आ गया हूँ दिल्ली, जा रहा हूँ ऑफिस। तो पानी की अपडेट देता हूँ, पानी अभी तक 1.5 लीटर पी लिया मैंने। 1 लीटर तो सुबह उठने के बाद ही पी लिया था, और फिर जिम में भी, और जिम से आने के बाद ट्रेन में तो भी 1.5-2 लीटर के आसपास हो गई है टाइप पानी की इनटेक। मैं बात बोल रहा था आपको बताने की ऑफिस टाइम पे, वो ये थी कि आज पहली बार जिंदगी में एक लड़का बोला मेरे को कि भाई मतलब स्टीरॉइड्स कौन से लेते हो। हालांकि आज तक मैंने लिए नहीं है। मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा वैसा नहीं है, प्रोटीन और क्रिएटिन से ही बनाई है, जो बनाई मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया बॉडी, अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो बढ़िया ही है मेरे लिए, तो आज का दिन अच्छा जाएगा, तारीफ ही थी मेरी। तो भी जाता हूँ ऑफिस करता हूँ। तो ऑफिस से आ गया था मैं करीब 6:15 के आसपास, और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अभी मैं अपना प्रोटीन शेक बना के पी रहा हूँ, और जो सेकंड वर्कआउट करूँगा वो मैं करूँगा रात को 8 बजे के आसपास। तो उससे पहले ये कम्प्लीट करूँगा और फिर पढ़ूँगा किताब। तो ये फिनिश करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, उसके बाद किताब पढ़ता हूँ 10 पेज। तो फिर काम एक रह जाएगा वर्कआउट करना, और पानी की इंटेक वो मेरी कंप्लीट हो गई है पूरी। हाँ हो गई है अभी तक, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले ही 1.5-2 लीटर तक पी लिया था मैंने। ऑफिस में जाने के बाद भी जो मैं पानी की बोतल रखता हूँ अपने पास, वो 1-2 बार तो वो भी मतलब पी है मैंने, पूरा कंप्लीट किया उसको भी। तो पानी की इंटेक तो हो गई, 4 लीटर से तो ज़्यादा ही होगा मतलब आज तो पानी का इंटेक होगा। और डाइट भी दोपहर में सुबह अपना ब्रेड वो खा के गया था, और दोपहर में अपना जो घर से खाना लेके गया था रोटी सब्जी वो खाई। अभी प्रोटीन शेक पी रहा हूँ, रात को भी घर की रोटी सब्जी खानी है। तो डाइट बिल्कुल क्लीन थी, बस एक वर्कआउट रहता है और भूख पड़नी रहती है। ये ख़त्म करने के बाद भूख पड़ता हूँ और फिर सेकंड वर्कआउट करता हूँ 1.5 घंटे के बाद। तो शाम तो हो गई है, और मौसम देखिए आप बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा, काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा भी ठंडी चल रही है। तो किताब ले आया हूँ मैं, ये है शक्ति के 48 नियम 48 लॉज ऑफ पावर। तो इसके 10 पेज पढ़ने हैं मेरे को, तो अभी इसी मौसम में पढ़ता हूँ। मज़ा भी आता है ऐसे मौसम में वर्कआउट करते टाइम, या कुछ भी काम आप करो तो ऐसे मौसम में करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे मौसम में काम करने में। तो अभी ये किताब पढ़ता हूँ मैं, और फिर बस दिन का आखिरी टास्क होगा जो सेकंड वर्कआउट, वो करूँगा फिर। तो अभी ये कर लेता हूँ कम्प्लीट। किताब पढ़ ली है मैंने, 2 चैप्टर पढ़े हैं। एक था कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, और दूसरा ये था कि हमें बहस से नहीं अपने कामों से रिजल्ट दिखाने चाहिए। क्योंकि बहस से हम क्या है कि कुछ देर के लिए तो शायद अगला वाला आदमी जिसके साथ हम बहस कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, वो मान जाए उस बात को, बट
क्योंकि वो कुछ देर के लिए ही होता है, वो बाद में अपना आदत से मजबूर होते हैं आदमी, वापस से उन्हीं विचारों पे आ जाते हैं। तो इसके बजाय आप बहस से नहीं अपने कामों से रिजल्ट दिखाएंगे तो उसको यकीन भी होगा कि हाँ जो हम बोल रहे थे या कहने की कोशिश कर रहे थे वो ठीक ही कर रहे थे। और दूसरा ये था कि अच्छी संगत में रहो और अपने आप को बदलता हुआ देखो फिर, जैसे कि अगर आप कंजूस हो तो जो उदारवादी आदमी होते हैं, जो थोड़े खर्चालू आदमी, उनके साथ रहना सीखो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट के साथ रहना सीखो। ऐसे ही संगत का काफ़ी असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये दो चैप्टर थे, इसमें बेसिक सी ये बातें ये थी, तो ये पढ़ी है मैंने। अब सिर्फ एक वर्कआउट रहता है करना आज का टास्क में, आज के टास्क में, तो वो अभी मैं करूँगा 8 बजे के आसपास। अभी तो 7 ही बजे हैं, तो अभी 1 घंटा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत टहलता हूँ, घूमता फिरता हूँ बाहर और फिर वर्कआउट करता हूँ। तो टाइम आ गया सेकंड वर्कआउट करने का, तो अभी मैं अपना सेकंड वर्कआउट करूंगा और ये लास्ट टास्क है दिन का। इसके बाद बस एक प्रोग्रेस पिक्चर होगी जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि कंडीशन कैसी है मेरी पूरे दिन में, ये 75 हार्ड का पूरा एक दिन जीने के बाद। और जो भी मैं सेकंड वर्कआउट कर रहा हूँ इसमें मैं करूँगा 1000 तो रस्सी कूदूंगा, 150 से 160 के बीच में पुशअप्स करूँगा और 50 से 60 के बीच में पुलअप्स लगाऊंगा। उसके बाद फिर 20-25 मिनट कोर एक्सरसाइजेज करूँगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं जैसे पहले 1000 रस्सी कूदूंगा फिर उसके बाद 150, ऐसे नहीं करूंगा मैं करूंगा जैसे 100 रस्सी कूदा उसके बाद फिर 10 से 15 पुशअप्स लगाई फिर 8 से 9 पुलअप्स लगाई, ऐसे कर करके शुरुआत का पार्ट जो है वर्कआउट का वो ऐसे करूंगा। उसके बाद फिर कोई मतलब 20 से 25 मिनट अच्छी सी कोर एक्सरसाइज करूंगा। इससे क्या है कि स्टेमिना भी बनेगा, स्ट्रेंथ भी आएगी और क्या कहते हैं एंड्योरेंस भी बनेगी। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस तीनों चीज़ आएंगी इससे। तो अभी स्टार्ट करता हूँ और अब वर्कआउट एडिट डालता हूँ दोबारा से, स्टार्टिंग में देखा हुआ आपने अभी भी डालता हूँ। तो वर्कआउट एडिट स्टार्ट करता हूँ अभी। 3 आज की प्रोग्रेस पिक्चर है। तो टास्क तो आज के सारे कंप्लीट कर दिए मैंने, बट मैं आपको बता दूं कि मैं 75 हार्ड चैलेंज पहले कर चुका हूं कंप्लीट, और ये आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। 75 हार्ड करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें वीडियोस हैं मेरी 75 हार्ड चैलेंज की। तो इसीलिए मैं ये 2 वर्कआउट कर पाया, और शाम को ये जो वर्कआउट है जिसमें 1000 मैंने रस्सी कूदी है और पुशअप पुलअप्स किए जो मैंने, ये इसीलिए कर पाया। वरना जब मैं स्टार्टिंग में था, जब स्टार्ट कर रहा था इस प्रोग्राम को, तब इतना नहीं कर पाता था मैं। और जो मेन जो चेंजेस आए हैं ना मेरे, वो ये सेकंड वर्कआउट की वजह से आए और डाइट की वजह से। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो अभी तो इतनी अच्छी बॉडी बनी भी नहीं है, वो सुबह ऐसे क्यों बोल रहा था कि स्टीरोइड्स कौन से लिए हैं, क्या लिए हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्यों बोल रहा था।
मुझे तो अभी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखी भी नहीं है, बस थोड़ा सा फैट कम हुआ है अभी, थोड़ा सा ही कुछ मतलब 19-20 का ही ज़्यादा अंतर नहीं आया, मतलब ज़्यादा नहीं आया, बट कोई नहीं, सबके अलग अलग देखने के नज़रिए होते हैं। तो पहला एक टिप, अगर आप एब्स ट्रेन करते हो तो साथ साथ लोअर बैक को भी ट्रेन करो, इससे क्या है कि इंजरी होने के कम चांसेस होंगे, वरना अगर सिर्फ एब्स टाइट कर लिए या एब्स ट्रेन कर लिए तो लोअर बैक में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है, ऐसा पूरे शरीर में ही है। अगर आप बाइसेप ट्रेन करें तो ट्राइसेप्स भी ज़रूर करो, आगे पीछे की मसल दोनों ट्रेन करो। आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया है, अब नहाता धोता हूँ, डिनर करता हूँ, वो भी एक क्लीन डाइट ही होगी, कुछ मतलब घर की रोटी सब्जी ही है, क्या बनी है शायद पालक बनी है, तो वही खाऊंगा, ज़्यादा कुछ आज तो कुछ करना ही नहीं था क्योंकि वीडियो बनानी थी। ये था मेरा आज का डे, तो इसी के साथ सारे टास्क कंप्लीट हो गए भाई आज के। आपने वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइयो, लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। राम राम भाई सारा भाई।